नमस्कार, परीक्षाओं से संबंधित इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के छात्रों के लिए बहुत ही बड़ी खबर है। 17 अगस्त से प्रस्तावित हुई परीक्षाएं, आइए देखते हैं पूरी न्यूज को। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ने ग्रेजुएट यूजी और पोस्ट ग्रेजुएट पीजी की परीक्षा कराने की तैयारी तेज कर दी गई है। इसके तहत हाल ही में यूनिवर्सिटी ने परीक्षा समिति की बैठक का भी आयोजन किया है। इस बैठक में ये तय हुआ है कि मार्च में लॉकडाउन की वजह से यूजी और पीजी की लंबित परीक्षाएं अगस्त में कराई जाएंगी। इसके अनुसार पहले फाइनल ईयर की परीक्षाएं होंगी जो कि 17 अगस्त से शुरू होंगी। आगे देखते हैं क्या लिखा है। यूनिवर्सिटी ने चरणबद्ध तरीके से परीक्षाएं कराने जा रहा है। इसके मुताबिक पहले चरण में यूनिवर्सिटी 17 अगस्त से यूजी और पीजी के पाठ्यक्रमों के अंतिम वर्ष और अंतिम सेमेस्टर के छात्रों के लिए परीक्षा आयोजित करेगा। इसके बाद अगले चरण में छात्रों की संख्या के आधार पर प्रथम और द्वितीय वर्ष के छात्रों के लिए परीक्षा आयोजित की जाएगी। सभी पाठ्यक्रमों के लिए परीक्षाओं की अवधि 2 घंटे की होगी और छात्रों से किसी भी 4 प्रश्नों के उत्तर देने के लिए कहा जाएगा। मतलब यह है कि आपके एग्जाम की टाइम ड्यूरेशन भी कम की जाएगी और साथ ही आपके प्रश्नों की संख्या भी कम की जाएगी। वहीं इस बारे में AU के जनसंपर्क अधिकारी शैलेन मिश्रा ने बताया कि बैठक की अध्यक्षता यूनिवर्सिटी के कार्यवाहक कुलपति RR तिवारी ने की और सभी डीनों के अलावा परीक्षा नियंत्रक ने परीक्षा समिति की बैठक में भाग लिया। आगे देखते लिखा है, मीडिया रिपोर्ट में बात करते हुए यूनिवर्सिटी के PR ने बताया कि BA, BSc और BCom के द्वितीय वर्ष के छात्रों को तृतीय वर्ष में प्रमोट नहीं किया जाएगा। हालांकि हां, उन्हें अपने पाठ्यक्रम के अंतिम वर्ष की कक्षाओं में भाग लेने की अनुमति दी जाएगी। वहीं परीक्षा जब संभव होगी बीच में आयोजित की जाएगी और प्रश्न पत्रों को व्यवस्थित किया जा सकता है। मतलब कहने का यह है कि आप लोग को प्रमोट नहीं किया जाएगा। द्वितीय वर्ष और तृतीय वर्ष के जो छात्र हैं उनको भी प्रमोट नहीं किया जाएगा, बल्कि उन्हें अगली क्लास में बैठने की अनुमति दी जाएगी। साथ ही जब भी बीच में संभव होगा तो उनके जो पेपर बचे हुए हैं वो आयोजित करा दिए जाएंगे। मतलब स्टूडेंट को साथ ही साथ 2 सेमेस्टर के सब्जेक्ट एक साथ पढ़ने होंगे। 7 अगस्त से हॉस्टल में रह सकेंगे स्टूडेंट्स। आइए एक नज़र इस पर भी डाल लेते हैं। परीक्षा समिति की बैठक में तय हुआ कि छात्रों को 7 अगस्त से छात्रावास में रहने की अनुमति दी जाएगी। बता दें, कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण की वजह से मार्च में परीक्षा स्थगित करने के साथ साथ हॉस्टल भी बंद कर दिए गए थे। इसके बाद से स्टूडेंट्स अपने घर लौट गए थे। तो दोस्तों, ये रही आज की पूरी न्यूज। इसी तरह की नई नई खबरें डेली पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ हमारे बेल नोटिफिकेशन को भी क्लिक कीजिए ताकि हमारे चैनल के लेटेस्ट वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंच सके। धन्यवाद। आज के वीडियो में बस इतना ही।